पन्ना जिले के शाहनगर जनपद पंचायत में किस तरह शासन से ग्राम विकास के लिए आई राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका उदाहरण ग्राम पंचायत खेड़ी सिमरी में देखा जा सकता है। ग्राम में नवीन तालाब बनाने को आई लाखों रुपए की राशि को जनपद और ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों द्वारा बंदरबाट के जुगाड़ में है। किस तरह राशि को ठिकाने लगाया जाए, आखिर पूर्व में बने तालाब जैसे गड्ढे में उपयंत्री ने लेआउट कर पाल डाल दिया, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व से तालाब जैसा कि वैसा ही है, इसी को नया तालाब बसाया गया है। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। गली गंगा। कहाँ रहती है, किस ग्राम पंचायत? सिमरी पौड़ी। क्या समस्या है आपके यहाँ? गड्ढा में तलज्जा हो रही है। कहाँ पे बन रही है? स्कूल के सामने। हाँ, तो इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? बाल बच्चन का डर है सर। स्कूल से? हाँ। स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है? कुछ नहीं है। तो क्या पहले ऐसी कोई घटना घटी है क्या? भाई ये तो बनात रही है तो सुन बोलत रही है कि हाँ हो गई है। कैसी? कोनो बिटिया बच गई है उस गड्ढे में। हाँ। वहीं तलैया बनाई जा रही है। हाँ। कितनी दूरी पे स्कूल है? दिखाते पास ही में है। यदि तलैया बनती है तो नुकसान हो सकता है? ना कहीं ना हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। सकती है। इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। पार्वती भाई कहाँ रहती हैं, कौन सी ग्राम पंचायत? सिमरी पौड़ी। यहाँ जो ग्राम पंचायत द्वारा तलैया बनाई जा रही है, इसमें क्या है, पहले से ठीक है यहाँ गड्ढा? पहले से गड्ढा रहो या रोड पर रहो, उसमें माटी निकली रही। हाँ। गड्ढा रहो, गड्ढा में तलज्जा हो रहा है वहीं से। शासन की राशि का दुरुपयोग हो रहा है शासन है ना। हाँ। तो यहाँ आसपास स्कूल है कहीं इस तलैया के आसपास? हाँ, स्कूल है, आंगनबाड़ी। फिर तो यहाँ ना होना चाहिए। क्यों, बच्चों का डर है? नहीं है डर है बच्चों का, हमारी बच्ची डूब गई थी। कब? पिछली साल। अच्छा। हाँ, हम ना होते तब मैं तो मौके पे आ गई, सुहाग पकड़ लाए, ना तो वह डूब गई थी बच्ची। तो तलैया बनने से नुकसान हो सकता है? नुकसान है, हमारे बाल बच्चन के खतरा है। चाहे जब हम कौन तो बैठिया रहे भी कि हमारे बाल बच्चे रही है यहीं देखता रहे भी। यदि तलैया बनना बंद नहीं हुआ तो आप लोग बच्चे भेजेंगे स्कूल के? नहीं, हम नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे? ना भेजेंगे। बताओ भैया, क्या समस्या है आपके यहाँ? जे समस्या है सर जी कि वहाँ गड्ढा तलैया बनी हुई है पूर्व से, और जहाँ आज वहाँ नया निर्माण हो रहा है, और बाल बच्चों की दिक्कत है, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल केंद्र, जहाँ पिछली साल दो बच्चे डूबते मरते बचे, और नीचे पतने भी है, वहाँ कोई पानी का आवक जावक नहीं है कि तालाब में कहीं पानी की आवक जावक हो। मेन रोड प्रधानमंत्री रोड है, और वहाँ गड्ढे पे कहीं खोद भी नहीं सकते कि नीचे कहीं तालाब बन सके, नागल बगल ना नीचे, और जहाँ जितना बना है उतना ही बना रहेगा, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें क्या नया माटी डाली जा रही है? नया निर्माण दर्शाया जा रहा है, जाता है कि नया तालाब हो रहा है, तलैया नई हो रही है। ये कौन विभाग करवा रहा है? जे पंचायत। कौन सी ग्राम पंचायत है? जे सिमरी पौड़ी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा भैया। शिकायत की इसकी कहीं आपने? जी, हमने SDM को दिया, जनपद पंचायत CO को दिया, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। किस ग्राम पंचायत के हैं आप? क्या नाम है? साहब से। ये आपके यहाँ जो गड्ढे में तलैया बन रही है, क्या मामला है इसका? मामला कुछ नहीं, सब बोले मंजूर है ऊपर से तालाब के लिए, तो कि तालाब योग्य जगह ही नहीं है वहाँ। अच्छा, छोटी सी जगह है, गड्ढा इतना से मुश्किल से 50-60 फीट लंबा होगा। पहले से है गड्ढा वहाँ पर? हाँ, और गड्ढा रहा है पहले से, निकाली लोगों ने मोरम वगैरह घर उपयोग के लिए, तो गड्ढा हो गया। अच्छा, बाकी वहाँ कोई तालाब की जगह है नहीं, उसी में मिट्टी डाल रहे हैं, उसी में डाल रहे हैं स्कूल आंगनबाड़ी। तो उसके आसपास कहीं स्कूल वगैरह हैं? जी हाँ, बाजू से है स्कूल। बाजू से जी। तो बनेगा तो क्या नुकसान भी हो सकता है? अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो क्या बनना उचित है कि नहीं है? नहीं है सर, उचित नहीं है। नहीं है, कहीं गांव के बाहर हो तो उपयोग में आए, वो तो जस्ट बिल्कुल रोड ही से लगी हुई है, और आगे पीछे मकान, दुर्घटनाएं हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।